जिस दिन आदम ने पाप किया, इस संसार में एक दुष्टता की सामर्थ आ गई और इसलिए सभी मनुष्य के लिए इस संसार में मृत्यु है। लेकिन यीशु ने आकर मृत्यु को नाश किया। उसी के पास मृत्यु के ऊपर सामर्थ है। वो मृत्यु पर जयवंत हुआ और पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। और एक दिन तो वो हम सभी को मृत्यु के पंजे से छुड़ा लेगा और वहाँ पर कोई भी मृत्यु नहीं होगी। वहाँ फिर आंसू बहाना नहीं होगा, मृत्यु नहीं होगी। ऐसा दिन आ रहा है, चाहे हम कब्रिस्तान में किसी व्यक्ति को दफना देते हैं, परमेश्वर वापस आएगा और उस मिट्टी में से उस देह को फिर से वापस जीवित करेगा और जो व्यक्ति उसे खो बैठा उस व्यक्ति को वापस देगा। वो देह उसे वापस देगा कि वो आत्मा प्राण और शरीर के साथ में सदा परमेश्वर के साथ में रहने पाएगा। His name is wonderful, everybody. His name is wonderful. His name is wonderful. Jesus, my Lord. The mighty King, Master of everything. His name is wonderful, Jesus my Lord. He's the great shepherd, the rock of all ages, almighty God is He. Bow down before Him. His name is wonderful, Jesus my Lord. He's the great shepherd. रोमियो अध्याय 15 वचन 4। जितनी बातें पहले से लिखी गई हैं वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई हैं। हाँ, ये कह रहा है वो सारी बातें जो वचन में लिखी गई हैं वो हमारी शिक्षा के लिए लिखी हैं कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र से प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। यानी यहां पर पौलुस कहता है कि धीरज जो है वो परमेश्वर के वचन में जो लिखा है उससे आता है। आप देखिए, इसे कितने लोगों के पास बाइबल है, अपनी बाइबल उठाकर दिखाइए। हाँ ठीक है, ये बड़ी किताब ऐसी बेकार में नहीं है, इसलिए नहीं कि बस बगल में इसे दबाकर रखें, ये इसलिए नहीं कि शेल्फ में रखते चले जाएं केवल डेकोरेशन के लिए। ये किताब अगर आप इसे पढ़े, यहाँ पर हर तरह की बातें बताई गई हैं, असली घटनाएं बताई गई हैं, लोगों का जीवन यहाँ बताया गया है। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा आप सीख सके कि धीरज क्या है। आप सांत्वना पा सकते हैं कि आप मजबूत हो जाए और आप आशा प्राप्त करते चले जाएं अपनी परिस्थिति के लिए। यानी वचन तो बहुत ही अद्भुत किताब है, कई लोग इसे खोलते नहीं, इसका उपयोग नहीं करते, लेकिन ये इसी के लिए दिया गया है। ये इसलिए दिया कि आपको आशा दे, धीरज दे, समझ दे और ये सब दे। यानी परमेश्वर का वचन है जिससे आप धीरज प्राप्त करते जाते हैं। परीक्षाओं की परिस्थितियां नहीं हैं, यहां आप धीरज पाते हैं, लेकिन परीक्षा की परिस्थिति तो असली युद्ध के जैसे होती हैं। वहां आप देखने लगते हैं कि आपने जो पाया वहां पर काम कर रहा है, वहां और ज्यादा भरोसा पाते हैं, यही तो होता है। ठीक है, आप वहां ट्रेनिंग नहीं लेते हैं, वहां पर धीरज नहीं सीखते हैं, यहां पर वचन में से आप पहले सीखते हैं, लेकिन जब असली परीक्षाएं आती हैं आप देखने लगते हैं कि ये सच में काम कर रहा है और आप में भरोसा होता है। अगली बार जब समस्या का सामना करते हैं,
आप में और भरोसा होता है क्योंकि आप जानते हैं कि आपको ये मिला है, आप ये कर सकते हैं और आप इस पर जयवंत हो सकते हैं, इसे कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये लोग विश्वास करते हैं कि सब कुछ प्रभु के हाथों में है, वो परीक्षा के समय को इस तरह से देखते हैं कि परमेश्वर ने इसे भेजा है और परमेश्वर ने इसे भेजा है कि उन्हें धीरज सिखाए, और वो तो ऐसे लोग हैं, यानी वो तो इस खास तरह की सोच विचार रखने वाले लोग हैं, जैसे पुराने जमाने में अगर स्कूल में जाते और केवल टीचर की बात सुनते और अपने नोट्स लिख लेते और प्रतिदिन आकर अपने लेसन्स को पढ़ते चले जाते तो अच्छे मार्क्स मिलते, यानी प्रतिदिन पढ़ाई करना काफ़ी था और शिक्षक भी बहुत अच्छे थे, अगर आप जाकर उनसे सवाल पूछे तो वो आपके सवालों का जवाब देते थे। लेकिन कुछ लोग ऐसा नहीं करते हैं, वो नहीं सुनते, क्लास में बातें करते रहते हैं, मजाक करते रहते हैं, दूसरी बातों में दिलचस्पी लेते हैं और ध्यान नहीं देते हैं, तो हम उन्हें ट्यूशन में भेजते हैं। जबकि उन दिनों में मुझे आज का पता नहीं, लेकिन खास ध्यान दिया जाता था, जहां पर टीचर वहां अपने साथ में बैठाते थे, जहां पर जल्दी से अपना हाथ बढ़ाकर आपके सिर पर मार भी सकते थे जब भी आप कोई गलती करते। उन दिनों में ऐसे ट्यूशन दिया करते थे। क्या तुम इसे समझ गए हो? क्या तुम इसे समझ गए हो? क्या तुम इसे समझ गए हो? व्यक्तिगत ध्यान देते थे। अब क्लास में जो करते वो नहीं कर सकते थे, यहां वहां नहीं मुड़ सकते थे, और ये तो टीचर आपके सामने बैठे हैं और अपने हाथों से आपके सिर पर मारते जाते हैं और आप निश्चित करना चाहते हैं कि आपको एक और न पड़े, जानते हैं। और जब आप स्कूल में जाते तो वही अपने हाथ में एक बड़ी छड़ी लेकर चलते थे, और जानते हैं उन दिनों में हम शिक्षा के बारे में इस तरह की विचारधारा रखते थे स्कूल के बारे में कि आपको उपयोग करना है, शिक्षा के उस बोर्ड का उपयोग करना है समझ की सीट की जगह पर। इसी तरह से सीखते हैं, सीखने का और कोई तरीका नहीं था, हमने सोचा कि हमारा दिमाग यहाँ पर है, यानी बस यहाँ पर एक दो तो यहाँ पर आ जाता है। हमने सोचा कि शिक्षा इसी तरह से होती है, यानी उस समय जब भी शिक्षक स्कूल में चलते थे कभी भी अपने हाथ में छड़ी लिए बिना वो नहीं चलते थे, वो हमेशा छड़ी लेकर चलते थे, जानते हैं। दिखाते थे कि छड़ी कितनी बड़ी है, और कुछ बच्चे दिलचस्पी लेते थे कि उनकी छड़ी को छिपा कर रखे या घुमा दे। हम में यही विचार था कि शिक्षा इसी तरह से आती है। अब सोमवार से शनिवार ऐसे ही चलता है, और जब हम चर्च में आते हैं तो इसी बात को भी चर्च में लेकर आते हैं। प्रचारक वहां पर खड़े, उनके हाथ में भी छड़ी है, हेलो। और वो वहां पर खड़े रहकर कहते, अगर परमेश्वर की बात के अनुसार आपने नहीं किया तो वो आपका सिर तोड़ेगा, वो आपका पैर और हाथ तोड़ देगा, और ये सब आपको स्कूल के जैसे ही लगता है। आप इसे सोमवार से शनिवार तक सुनते आए हैं और रविवार को भी आप यही बात सुनते हैं, कम से कम हम में से बहुत से लोगों ने उन दिनों में यही सुना, जानते हैं। हमने सोचा कि इसी तरह सीखते हैं, इसी तरह गणित सीखते हैं और इसी तरह आत्मिक पाठ भी हम सीखते हैं, सब कुछ ऐसे ही सीखते हैं, जब तक कि मार मार के ये उनमें न डाल दे, ये उनके अंदर नहीं जाएगा, इस तरह से सोचते थे। तो हमने ये हमारे आत्मिक अनुभव के साथ में भी इसी बात को जोड़ दिया था। तो धीरज सीखने की जब बात आती है तो हमने बिल्कुल ऐसे ही सोचा कि परमेश्वर किसी तरह की परीक्षा भेजेगा और हमें अच्छी तरह से पीसेगा, हमें दुख देगा, और केवल तभी हम समझ पाएंगे, हमने सोचा। और ये कुछ लोगों के लिए सही सुनाई पड़ता है, वो कहते हैं हाँ ये ठीक है, अगर धीरज सीखना है तो बड़ी मुश्किल से इसे सीखना होगा, लेकिन इसका आसान तरीका भी है दोस्तों, इसलिए बड़ी किताब दी गई है। क्या आपने कभी इस बड़ी किताब को देखा है? क्यों इतनी बड़ी है? क्यों इसमें इतने सारे पन्ने हैं? क्यों इतनी कहानियां हैं? क्यों इतने वचन हैं? हजारों हजार वचन हैं। क्यों? कि आपको कुछ सिखाते जाएं। आमेन। अगर आप इसकी ओर ध्यान नहीं देंगे तो आपको मार खाने के स्कूल में जाना पड़ेगा। कुछ लोग केवल वहीं पर सीखते हैं, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं वो परमेश्वर का मार्ग नहीं है, ये परमेश्वर का मार्ग है, वो आपका मार्ग है। आप उस मार्ग से जाने पर जोर देते रहे हैं, और जब आप इस तरह की समस्याओं में मुश्किलों से जाते हैं, जब आपको मार पड़ती है तभी आप कुछ सीखते हैं, लेकिन परमेश्वर आपको इस तरह से नहीं सिखाता है। परमेश्वर आपको सिखाता है वचन से, वो अद्भुत शिक्षक है। यहां तक स्कूल में याद है अच्छे टीचर छड़ी का उपयोग नहीं करते थे, हाँ बच्चों का ध्यान बिना छड़ी के भी वो बनाए रख सकते थे, वो बस कहते थे और सब उनकी सुनते थे। मुझे अच्छे टीचर अभी भी याद हैं, वो इतने अच्छे थे, जब वो क्लास में आते तो सब चुप हो जाते थे, जानते हैं। मेरे अंकल जो कि बहुत अच्छे टीचर थे, उन्होंने मुझे एक कहानी बताई, वो गणित के शिक्षक थे, उन्होंने कहा, और सभी उनसे प्यार करते थे, अच्छे से सिखाते थे,
और उनकी क्लास में एक बच्चा हमेशा शरारत करता था। वो छड़ी का उपयोग नहीं करते थे, उन दिनों में छड़ी का उपयोग नहीं करते थे, कभी छड़ी उपयोग नहीं की। और एक बच्चे ने उनके लिए इतनी परेशानी खड़ी की, और दूसरा लड़का जो कि दूसरों को मार पीटता था, दूसरे क्लास से उसने आकर इसे मारा, क्योंकि उसने कहा तुम इस टीचर को क्यों परेशान करते हो, वो अच्छे व्यक्ति हैं। देखिए, इस तरह से मदद मिलती है। अगर आप अच्छे टीचर हैं, सभी आपका आदर करते हैं, वो आपकी सुनते हैं। और मैं आपको बताऊं, परमेश्वर सबसे अच्छा टीचर है। इस पृथ्वी पर के सबसे अच्छे टीचर से भी उत्तम है। वो बहुत अच्छा शिक्षक है। उसे हमारे पैर नहीं तोड़ने, उसे हमारे हाथ नहीं तोड़ने हैं, उसे हमारे सिर पर भी नहीं मारना है कि हमें कुछ सिखाते चले जाएं। वो अपने वचन से हमें सिखाता है। आपको क्या लगता है चर्च में पुलपिट क्यों है? पुलपिट पर बड़ी बाइबल क्यों है? वहां पर ऐसे प्रचारक क्यों है जो कॉलेज में लगभग 7-8 साल तक गए हैं, डीडीज और डूडूज लेकर आए हैं? ये सब किस लिए? क्योंकि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा सिखाता है, और परमेश्वर सबसे अच्छा शिक्षक है, और बाइबल आपको जो जानना है सब कुछ सिखाती है। अगर आप यहां से नहीं सीखेंगे तो अपनी गलतियों से सीखेंगे और अपनी मुश्किलों से सीखेंगे, परिस्थितियों में से जाकर सीखेंगे। लेकिन बात तो यह है, जो लोग सोचते हैं कि सब कुछ परमेश्वर के हाथों में, उनके हाथों में कुछ भी नहीं है, वो बड़ी गलती करते हैं। क्योंकि जब वो ऐसा सोचते हैं तो वो समस्या की ओर बिल्कुल अलग तरीके से व्यवहार करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने भेजा ऐसे उसे देखते हैं। लेकिन परमेश्वर ने भेजा ऐसे नहीं देख सकते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है, याकूब अध्याय 4 देखिए, इसी किताब में अध्याय 4 वचन 7, ये कहता है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। सब लोग कहिए, परमेश्वर के अधीन हो, शैतान का सामना करें। अब ये तो बहुत ही सरल है, परमेश्वर के अधीन हो, शैतान का सामना करो। यानी जीवन में, हमारे जीवन के हर एक दिन में हमें समझना होगा कि क्या परमेश्वर से आ रहा है और क्या शैतान से आ रहा है। यदि परमेश्वर से कुछ आ रहा है तो मुझे उसके अधीन होना है, क्योंकि वो परमेश्वर से आता है, वो मेरे जीवन में भला करने के लिए आया है। मैं अपना दिल और मन खोलूंगा, उसे गौर से सुनूंगा और जो कुछ कहा वैसे करूंगा। मैं खुद को परमेश्वर के अधीन करूंगा, और जब मैं शैतान की ओर से कुछ देखूंगा तो मैं उसका सामना करूंगा। लेकिन जब आप सोचते हैं सब कुछ परमेश्वर से आता है, तो आप परेशानी में पड़ेंगे, क्योंकि उसका सामना करने के बजाय उसे गले लगाएंगे। हाँ, ये उस मिलिट्री वाले से कहना है जिसे कैंप में आपने ट्रेन किया है। जानते हैं, जानते हो तुम्हारे शत्रु तुम्हें केवल बेहतर बना सकते हैं। जब वो आएगा तभी तुम्हें अपना बल पता चलेगा, और इसीलिए चिंता न करते जाना। और फिर अगर ये आदमी इसे अच्छे से नहीं समझा तो जब शत्रु आएगा तो उससे हाथ मिलाएगा, कहेगा आइए आइए आप मुझे बेहतर बनाएंगे, और गोली सीधा सिर पर लग जाएगी। जानते हैं, क्योंकि वो शत्रु को गले लगा रहा है। शत्रु शत्रु है, उसे गले नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, निश्चय ही जब आप युद्ध में शत्रु से लड़ते हैं तो आपका भरोसा बढ़ता है और आपके अंदर सब कुछ बढ़ते जाता है, ये अच्छा है। लेकिन बात यह है, शत्रु शत्रु है, शैतान का सामना करो, ये कहता है। आपको परमेश्वर के अधीन होना है और शैतान का सामना करना है। लेकिन जो लोग सोचते हैं सब कुछ परमेश्वर से आता है, वो बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि शत्रु का सामना करने के बजाय वो सोचते हैं जो शैतान ने भेजा है, उन्हें लगता है ये परमेश्वर ने भेजा है। वो ये फर्क नहीं बता सकते कि परमेश्वर ने क्या भेजा और क्या शैतान ने भेजा है। वो बस अपने आप को शैतान के लिए और शैतान के हमले के लिए खोल देते हैं। हाँ, यानी सब परमेश्वर से है। किसी एक भाई ने कहा, उनकी पत्नी चली गई थी क्योंकि कुछ समस्याएं थी, वो उन्हें सह नहीं पाई थी तो सामान पैक करके चली गई। और ये भाई आकर कहते हैं, देखिए भाई, जानते हैं वो सामान पैक करके चली गई, मुझे नहीं सुनती है। खैर कुछ भी हो, मुझे लगता है ये परमेश्वर की इच्छा है। मैंने कहा, क्यों? क्योंकि अगर परमेश्वर की इच्छा नहीं है तो ये नहीं होगा। अगर ये हुआ तो हमें परमेश्वर की इच्छा के रूप में इसे लेना है। इस व्यक्ति के विचार सोचिए, ये हो गया इसलिए ये परमेश्वर की इच्छा है। मैंने कहा, रुकिए एक मिनट, उसे निकालने के लिए आपने क्या किया? नहीं भाई, बस मैंने एक दो बात कह दी और उसे वो पसंद नहीं आई। मैंने कहा, वापस जाकर उसे 4-5 अच्छी बातें बताना, वो अपना सारा सामान पैक करके आपके पास में वापस आ जाएगी। ये बहुत ही सरल है। उन्होंने कहा, नहीं भाई, मैं सोचता हूँ ये बहुत ही अच्छा है कि वो चली गई, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है। मुझे लगता है ये परमेश्वर की इच्छा है। प्रभु की इच्छा नहीं होती तो ये नहीं होता था। देखिए उनकी विचारधारा,
शैतान परिवार तोड़ना चाहता है, उन्हें अलग करके उनकी खुशी छीनना चाहता है, विवाह खत्म करना चाहता है, और वो कह रहे हैं कि परमेश्वर कर रहा है। परमेश्वर ऐसा नहीं करता, वो शादी नाश करने के विचार में नहीं, वो पति और पत्नी को अलग करने के काम में जुड़ा नहीं है। परमेश्वर इस काम में नहीं है कि आपकी खुशी को नाश कर दे। क्यों ना आप शैतान का सामना करें, क्यों ना आप ये कहें शैतान तो मेरे घर में नहीं आ सकता है, तो इस विवाह में नहीं आ सकता, मेरे घर में आकर मेरा विवाह नहीं तोड़ सकता है, मैं तुझे तोड़ दूंगा, तो इस जगह से अभी निकल जा। इस तरह की मनोदशा होनी चाहिए, यही तो शैतान का सामना करना है। ठीक है, वह ऐसा नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है ये परमेश्वर की इच्छा है। एक और भाई के बारे में मैंने सुना है, जानते हैं किस रीति से वो अनैतिक संबंधों में आ गए और वो खुद इससे नफरत करते थे, और वो जानते थे मैं समस्या में पड़ जाऊंगा, इसके कारण मेरा परिवार और वैवाहिक जीवन खत्म हो जाएगा। तो आखिर में उन्होंने निर्णय लिया कि ये तो शैतान की समस्या है, यानी कोई दुष्ट आत्मा यहाँ पर है जो उसे परेशान करती है, इसलिए वो दुष्ट आत्मा को निकाल देंगे। तो वो प्रचारक से मिलने गए, अपनी पत्नी से कहा मैं प्रचारक के पास जा रहा हूं, इस दुष्ट आत्मा को निकाल दूंगा, मैं इसमें नहीं जीना चाहता, ये हमें बर्बाद कर देगा। तो वो अपनी कार लेकर प्रचारक के पास गए, और कार का जब दरवाजा खोला, उन्होंने कहा परमेश्वर ने कहा। मुझे पता है परमेश्वर ने नहीं कहा है, क्योंकि वो ऐसा नहीं कहता है। उन्होंने कहा परमेश्वर ने कहा, उन्होंने कहा परमेश्वर ने कहा, रुको एक मिनट, तुम कहां जा रहे हो? उसने कहा मैं जा रहा हूं कि दुष्ट आत्मा को उस पास्टर की मदद से निकाल दूं, क्योंकि मुझे समस्या है और ये दुष्ट आत्मा के कारण मैं ये सब कुछ कर रहा हूं, मैं इसे निकाल दूंगा। जानते उन्होंने क्या कहा परमेश्वर ने कहा, मत जाना, क्योंकि मैंने तुम्हें ये दिया ताकि तुम्हें मैं और ज्यादा धीरजवंत बना सकूं और सिद्ध बनाऊं। हेलो, तो वो अपनी पत्नी के पास आकर कहते हैं, उससे कहते हैं कि देखो माफ करना, मैं सोचता हूं कि तुम्हें इसे अगले 3 महीने या साल भर या फिर 3 साल तक इसे सहना होगा, पता नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा उसने दिया है, मैं इस दुष्ट आत्मा को रखूंगा और इस अनैतिक जीवन को भी बनाए रखूंगा, क्योंकि मुझे लगता है परमेश्वर ने ये दिया है, परमेश्वर ने कहा है कि उसने ये दिया है, उसने मुझे सिद्ध बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए इसे दिया है, इसलिए उसने ये दिया है, और उसकी अनुमति के बिना कुछ भी नहीं होगा, उसकी अनुमति के बिना मेरे जीवन में कुछ भी नहीं होगा। क्या तुम सहमत हो? पत्नी ने कहा हाँ। वो और क्या कह सकती थी, ये तो एक अच्छा बहाना था। अब आप जान गए हैं कि पुरुष कितने सारे बहाने लेकर आते हैं। पाप में जीवन जीने के लिए अच्छा बहाना था कि जो कुछ आप कर रहे हैं वो करते चले जाएं, और परमेश्वर पर दोष लगाए, क्योंकि परमेश्वर ने यह भेजा कि आपको सिद्ध और बेहतर बनाते जाए। ये जानते हैं एक दिन मैं बेहतर हो जाऊंगा, कब? 2-3 साल के बाद, शायद 5 साल के बाद, जानते हैं सब कुछ बर्बाद हो जाने के बाद में, जानते हैं यही तो इस बात में गलती होती है। आपको उसका सामना करना है, आपको उसे मना करना है, और उसके विरुद्ध में आपको खड़े रहना है, आपको अपनी ओर से पवित्र आत्मा के साथ में खड़े रहना, और परमेश्वर की सामर्थ्य की और मदद के द्वारा इसके विरुद्ध में खड़े रहे, इसे अपने जीवन से निकाल दे और इस पर आप विजय पाए। आपको ये पहचानना होगा कि ये कहां से आ रहा है, और आपको जानना है कि ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। आपको परमेश्वर को समर्पित होकर शैतान का सामना करना है। लेकिन जब समझते हैं कि सब कुछ परमेश्वर से है, तो आप बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी को समर्पित हो जाएंगे ये सोचते हुए कि ये परमेश्वर से है। जब बीमार होंगे तो कहेंगे ये परमेश्वर से है, जानते हैं बीमार होने पर क्या करते हैं, आप प्रार्थना करते हैं और तुरंत डॉक्टर के पास में जाते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं। मैंने देखा है कुछ विश्वासी कहते हैं कि परमेश्वर ने किसी कारण से मुझे अपने प्यार का चिन्ह दिया है, जानते हैं, तो फिर इसे बना कर रखिए, इसे ज्यादा समय तक रखिए, आप इसे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये तो प्रेम का चिन्ह है, उसने मुझे कुछ सिखाने के लिए दिया है। आपको क्या लगता है परमेश्वर के पास बीमारियों के पार्सल है कि यहाँ पर भेजे? मतलब क्या स्वर्ग में बीमारी है? स्वर्ग में भेजने के लिए कोई भी बीमारी नहीं है। परमेश्वर को यहाँ पर कोई बीमारी भेजने की जरूरत नहीं है, और परमेश्वर के पास कोई बीमारी नहीं है, क्योंकि उसने कोई बीमारी को कभी नहीं बनाया है। देखिए, बीमारी और ये सारी बातें जो है, जो हर एक बुरी बातें वो आई है, हमारे पूर्वज आदम ने अदन की वाटिका में अपने घर के द्वार शैतान के लिए खोल दिए। उसने शैतान को आने दिया मनुष्य जाति के जीवन में। आज पूरी मनुष्य जाति उससे प्रभावित हुई है। आज बुरी बातें इसलिए हो रही है, इसलिए नहीं कि परमेश्वर ये सब कुछ कर रहा है, ये इसलिए क्योंकि आदम ने शैतान को आने दिया और वह अभी यहां वहां भाग रहा है। एक प्रचारक ने कहा जब वो 12 साल के थे तब उनके पिताजी की मृत्यु हो गई,
और उनके फ्यूनरल के लिए एक प्रचारक वहां पर आए थे और परिवार को तसल्ली देने के लिए उन्होंने इस तरह कहा, तो उन्होंने कहा, मैं परिवार से कुछ कहना चाहता हूं, और इस छोटे लड़के की ओर देखा और कहा, परमेश्वर चाहते थे कि तुम्हारे पिताजी उनके पास हो। और इस प्रचारक ने कहा, मैं 12 साल का था और मेरे पिताजी चल बसे, और मैं इसे अच्छे से समझ पाया, बस नहीं जानता था कि ये प्रचारक क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। जब प्रचारक ने कहा परमेश्वर चाहते हैं कि मेरे पिताजी वहां पर हो, तो मैंने तुरंत सोचा कि परमेश्वर को मेरे पिताजी क्यों चाहिए, वो तो सर्व सामर्थ्य है, किस तरह से मेरे पिताजी उनकी मदद करेंगे, मुझे वो यहां चाहिए थे। मैं 12 साल का हूं और मुझे उनकी मदद की जरूरत है, मुझे बड़े होना है, मुझे कॉलेज में जाना, अच्छी नौकरी करनी है, शादी करनी है, मुझे पिताजी चाहिए, परमेश्वर को मेरे पिताजी क्यों चाहिए। अभी शायद यहां पर कुछ लोग इसे समझ पा रहे हैं। मृत्यु के अनुभव बहुत ही भयानक हो सकते हैं। जो व्यक्ति मर चुका है उसके लिए तो अद्भुत अनुभव है, वो तो पहले इस स्वर्ग में पहुंच गया है, लेकिन उनके परिवार के जो लोग यहां हैं वो हर रोज मर रहे हैं। कई बार तो उन्हें मार दिया जाता है, उन पर कहे गए शब्दों के द्वारा उन्हें मारा जाता है, जानते हैं इसी तरह से। और लगभग हर फ्यूनरल में इस तरह का संदेश आप सुनते हैं, आपने सुना भी होगा, परमेश्वर गुलाब के सुंदर से बगीचे में आया। देखिए, आपने इसे सुना है, ऐसे सताते हैं, जानते हैं। देखिए, मृत्यु अपने आप में एक सताव है, लेकिन जो जिंदा है उनके लिए और अतिरिक्त भयानक सताना है। परमेश्वर इस गुलाब के सुंदर बगीचे में आया और उसने एक बहुत ही सुंदर गुलाब यहाँ पर देखा, और वो ये गुलाब है जो यहाँ पर आज मरे हुए पड़े हैं। और परमेश्वर ने कहा, मुझे ये गुलाब मेरे घर में वहां चाहिए, तो उसने इस गुलाब को तोड़ दिया और उसे स्वर्ग में लेकर गया कि उसे अपने घर में वो लगा सके। अब जहां तक मृत्यु की बात है, चाहे मृत्यु हो या किसी भी तरह की कोई भी बुराई क्यों ना हो, बीमारी और हर तरह की जो दुष्टता उसके बारे में, ये तो बाइबल के दृष्टिकोण से बताना बहुत ही आसान है। बाइबल हमें बताती है कि मृत्यु कैसे आई। हम मृत्यु का इनकार नहीं कर रहे हैं, बाइबल बताती है मृत्यु कैसे आई। रोमियो अध्याय 5:12 कहता है, एक मनुष्य के पाप के कारण मृत्यु पूरे जगत में आ गई। एक मनुष्य के कारण पाप आया और पाप के कारण मृत्यु आई। ये इसी तरह कहता है, एक मनुष्य के द्वारा पाप आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई। आदम के पाप के बारे में कहता है, और फिर उसी वचन में आगे ये कहता है, और फिर मृत्यु ने सभी मनुष्यों पर राज्य किया और इसलिए सब मनुष्य मरते हैं। इसलिए आज सभी मरते हैं। सब क्यों मरते हैं? इसलिए नहीं कि परमेश्वर सुबह उठता है और कहता है कि इनी मीनी माइनी मो, हाँ तुम हो, आ जाओ, अब तुम यहां आने के लिए तैयार हो। सुनिए, अगर ऐसा है तो हर सुबह जब आप जागते हैं तो आप ऐसे ही होंगे, आशा करेंगे कि आज आपको चुना न जाए। परमेश्वर ऐसा नहीं करता है। अगर कहे तो अजीब सा लगता है, लेकिन लोग ये विश्वास करते हैं। परमेश्वर वहां बैठा नहीं है कि चुनाव करे कि आज मैं किसे घर में लेके आऊं। नहीं, लोग मरते हैं, बस केवल एक ही कारण है, मृत्यु पाप के द्वारा आई, एक मनुष्य आदम के पाप के कारण। ठीक है, हमारे पाप नहीं, मासूम बच्चे ने क्या किया, 2 दिन के छोटे मासूम बच्चे ने क्या किया, कौन सा पाप किया, कुछ पाप नहीं किया। आदम के पाप के कारण मृत्यु आई, वो मृत्यु सभी लोगों पर आ गई, चाहे वो जवान हो या बूढ़े हो, और ये फैल गई, और इसी तरह से ये हुआ, और इसीलिए मृत्यु आ गई, और इसी के कारण बीमारी आई, इसी के कारण ये सारी जो बुराइयां हैं वो सब आ गई। आप परमेश्वर पर दोष नहीं लगा सकते हैं। हाँ, लोग ऐसे ही मरते हैं, और जब मैं फ्यूनरल सभा में जाता हूं तो मैं उनसे ये नहीं कहता कि परमेश्वर ने सुंदर गुलाब को निकाल लिया और तुम्हारे डैडी को परमेश्वर वहां चाहते थे, परमेश्वर वहां पर उन्हें रखना चाहते क्योंकि उनके पास में वहां पर कुछ और भी बेहतर है। मैं उन्हें सच्चाई बताता हूं, मैं उनसे कहता हूं कि जिस दिन आदम ने पाप किया, इस संसार में एक दुष्टता की सामर्थ आ गई, और इसलिए सभी मनुष्य के लिए इस संसार में मृत्यु है, लेकिन यीशु ने आकर मृत्यु को नाश किया। उसी के पास मृत्यु के ऊपर सामर्थ है, वो मृत्यु पर जयवंत हुआ और पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है, और एक दिन तो वो हम सभी को मृत्यु के पंजे से छुड़ा लेगा, और वहां पर कोई भी मृत्यु नहीं होगी, वहां फिर आंसू बहाना नहीं होगा, मृत्यु नहीं होगी। ऐसा दिन आ रहा है, चाहे हम कब्रिस्तान में किसी व्यक्ति को दफना देते हैं, परमेश्वर वापस आएगा और उस मिट्टी में से उस देह को फिर से वापस जीवित करेगा, और जो व्यक्ति उसे खो बैठा उस व्यक्ति को वापस देगा, वो देह उसे वापस देगा कि वो आत्मा प्राण और शरीर के साथ में सदा परमेश्वर के साथ में रहने पाएगा।
The Bible says enter his gates with thanksgiving. Enter his gates with thanksgiving. Come into his courts with praise. Enter his presence rejoicing. Singing great and mighty is his name. Praise him with the sound of the trumpet. Praise him with the timbrel and harp. And every creature in heaven and lift the sound of praise. Pray with all their heart. For the Lord is good. 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 And his mercy endures. Sun is exalted, maker of everything. Come now and bow down before him. Lift your hands in praise, raise your voice to say, for the Lord is good. His mercy endureth forever.